अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त हकीम नवीद। दोस्तों, आज हम एक दोस्त की फरमाइश पर, जो इंडिया के हमारे दोस्त हैं, उन्होंने कहा है कि आप माल कंगनी के ऊपर वीडियो बनाएं, कुछ नुस्खा जात दें। ये सामने आपने हमने आपके सामने रखा हुआ है, हरीड हलीला जद, ये उस नुस्खे का हिस्सा है। नुस्खा हम बताएंगे आपको। जिन दोस्तों के बाल उम्र से पहले सफ़ेद हो जाते हैं, वो दोस्त अगर ये नुस्खा इस्तेमाल कर लें तो स्याह हो जाएंगे। हमने कई दोस्तों पर यह तजर्बा किया है। एक दोस्त ने नुस्खा इस्तेमाल किया, 4 माह के बाद आदमी के बाल जो हैं सफ़ेद, वो स्याह होना शुरू हो जाते हैं, यानी स्याह होना शुरू हो जाते हैं, और 1 साल के अंदर तमाम बाल स्याह हो जाते हैं और मर्दाना ताकत, टैमर की तमाम ताकतें बहाल हो जाती हैं। ये भी नुस्खा बयान करेंगे और कुछ माल कंगनी के फ़ायदे हम बयान करेंगे। इस नुस्खे में माल कंगनी पड़ती है, डाली जाती है, इसका जुज़ शामिल है, इसलिए ये भी नुस्खा हम बयान कर देंगे। दोस्तों, शादी से पहले और शादी के बाद की कमज़ोरी, माल कंगनी का इस्तेमाल बहुत ही मजरब है। अफीम के जहर का दोस्तों तर्याक है, जोड़ों के दर्द, फालज, लकवा, अल्किनसा और दर्दों पर इसका तेल गरम गरम मालिश करने से फौरी असर दिखाता है। अगर कोई दोस्त इसकी 10 बूंदें तेल की इस्तेमाल करे तो जो कमज़ोरी है ना जिस्मानी, वो पहली खुराक से ख़त्म हो जाती है और जोड़ों का दर्द भी दोस्तों ख़त्म हो जाता है, तो जिस्म में ज़बरदस्त पसीना आता है। ये काफ़ी दोस्तों इसका इस्तेमाल फौरी असर है। इसका इस्तेमाल काफ़ी तरीक़ाकार के साथ किया जाता है, लेकिन हम एक ही नुस्खा आपको देंगे जो तमाम नुस्खा जात का बादशाह होगा। नुस्खा नोट कर लें। सबसे पहले लेना है आपने माल कंगनी, ताज़ा ताज़ा लेनी है। सौन पादरों के महीने में, जब बारिशों का मौसम आता है, इस मौसम में माल कंगनी के बीज मुकम्मल पक जाते हैं और मार्केट में आ जाती है। आपने ताज़ा माल कंगनी लेनी है, 1 पाव। हलीला जर्द, ये स्याह रंग के दाने हैं, ये नहीं लेने, ये स्याह आपने लेने हैं, जर्द है इस रंग के, हलीला जर्द पोस्ट इसका लेना है, 1 पाव। इन दोनों का पाउडर कर लेना है, मिक्स कर लेना है, और 1 पाव इसमें आपने बादाम रोगन असल, जो आपने अपनी आंखों के सामने निकाला हुआ हो, वो डालना है 1 पाव, ठीक है ना। ये नुस्खा मुकम्मल हो चुका है दोस्तों। बाद दोस्तों जब नुस्खा इस्तेमाल किया है तो उसमें कुछ ना कुछ रिज़ल्ट ऐसे आते हैं जो दोस्तों को बताने ज़रूरी होते हैं, क्योंकि इसमें हलीला जर्द है, ये खुश्क है। उसके तोड़ के लिए इस नुस्खे में सनासी, ये दोस्त सनासी का राज हम आपको बता रहे हैं, आम नुस्खा नहीं है कि दोस्त समझे ये वैसे नुस्खा बयान गया, ये एक सनासी के सीने का राज है। उसने इस नुस्खे में बादाम रोगन डाला है कि जिसम में खुश्की ना हो, और जो बालों की जड़ें हैं उनमें नरमी आ जाए, और जो स्याह रंग का मादा होता है, जो बाल स्याह कहता है, वो नरमी की वजह से जल्दी पहुंचे और बाल जल्दी, सफ़ेदी मैल जो होते हैं वो जल्दी स्याह हो जाएं। इस दौरान ख़ास परहेज ये है कि आपने हम बिस्तरी कभी नहीं करनी, या ना जलक लगाना है। अगर हम बिस्तरी करेंगे, जलक लगाएं, तो जिस्म में खुश्की ज़्यादा बढ़ती है, ये ख़ास परहेज है।
खाने में आप जो चाहे मर्जी इस्तेमाल करें, यानी खास परहेज हम बिस्तरी करना है। फिश की खुराक मकदार आपने दोस्तों 5 ग्राम या 6 ग्राम से शुरू करनी है। 20 दिन के बाद आपने 10 ग्राम के हिसाब से आपने इस्तेमाल करनी है खाना खाने के बाद, और 10 ग्राम के हिसाब से आपने इस्तेमाल करते जाना है। 4 माह के अंदर या 4 माह के बाद आपके बाल जो सफ़ेद हैं वो स्याह होना शुरू हो जाएंगे। 1 साल के अंदर दोस्तों तमाम ताकतें बहाल हो जाएंगी, बूढ़े को दोस्तों जवान कर देगा यह नुस्खा, और ताकत टाइम ये जितने मराज हैं सब दोस्तों ख़त्म हो जाएंगे। ये दोस्तों काया पलट सनासियों का एक राज था, और हमने एक दोस्त की फरमाइश पर माल कंगनी को फैर और एक ख़ास नुस्खा अक्सर बयान कर दिया है।